हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्री मेडिसिन एडवाइस चैनल और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस आर्बिटोन सिरप के बारे में। तो अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ये कौन से ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है, इसका यूज कैसे करना चाहिए, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आर्बिटोन सिरप कौन से ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मेडले फार्मास्यूटिकल की बनाई हुई प्रोडक्ट है। ये बहुत ही अच्छी सिरप है, ये एक हेल्थ टॉनिक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसकी एमआरपी कितनी है। तो इसकी एमआरपी भी आप देख पा रहे होंगे कि 117 रुपीज है। दोस्तों, इसकी जो खासियत है ये बहुत ही अच्छी है कि ये ब्लड की कमी को दूर करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है। तो इस आर्बिटोन सिरप के अंदर फोलिक एसिड, कैल्शियम लैक्टेट, विटामिन B12 और इसके अंदर एलिमेंट आयरन का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारे शरीर में होने वाली खून की कमी को दूर करता है, हमारे शरीर में होने वाली कमजोरी को दूर करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कब कब करें और कैसे करें, इसके डोज क्या है, इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके डोज क्या है। तो इसके डोज हैं 10 ml, 2 टाइम आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कब करें। दोस्तों, अगर आपको ब्लड की कमी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर विटामिन B12 की कमी है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको एनीमिया है तो भी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है, उस स्थिति में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, खास कर ये प्रेगनेंसी के दौरान भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस समय आप इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की या फिर अपने फिजिशियन की सलाह जरूर ले लें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर आपको विटामिन B12 की कमी होती है या फिर मुंह में छाले भी होते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जनरल जो कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, अगर इस प्रकार की समस्या है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे स्किन को भी थोड़ी बहुत लाइट करती है और जो भी एक्ने पिंपल्स आने की समस्या होती है उसमें भी ये मददगार होती है और इसका इस्तेमाल आप उसमें भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए। तो अगर आप और किसी भी प्रकार की आयरन की गोली या फिर सिरप लेते हैं, उससे पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लें, या फिर आप किसी भी प्रकार के मल्टी विटामिन सिरप या फिर बी कॉम्प्लेक्स सिरप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस सिरप के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, उसके बाद इस सिरप का इस्तेमाल करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप इस प्रकार की और वीडियो के लिए और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।